अम्मा। हाँ? जल्दी आओ अम्मा। क्या हुआ? आ रही हूँ। अम्मा मेरा पेट बहुत दुख रहा है। बस दो मिनट चित्रा, मैं अभी काढ़ा लाई। तुम्हारा पेट दर्द यूं गायब हो जाएगा। ये क्या, इतनी खराब सब्जी? ये खराब नहीं है अम्मा, बस सस्ती है। मुझे तो इन सब्जियों की सस्ती से कम और तुम्हारी कंजूसी की ज्यादा बू आ रही है। कंजूसी के मामले में तुम बिल्कुल उडांका की तरह सोचने लगे हो। मुझे बस डर है कहीं जो अंजाम उसका हुआ था कहीं तुम्हारा ना हो जाए। कौन उडांका और कैसा अंजाम? अच्छा, ये अम्मा के काढ़े का असर है या मेरी बुराई सुन के तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? सुधा अम्मा के काढ़े का असर तो थोड़ी देर बाद होगा। यहाँ के लोग तो उनकी बातों से और उनकी कहानियों से ही ठीक हो जाते हैं। कहानी? हाँ? जीरो बाबू गोपी, इट्स स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा। ये विजयनगर में उडांका नाम का एक व्यक्ति रहता था, तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई पहचान होती है। वैसे ही उडांका की पहचान थी उसकी कंजूसी। वो इतना कंजूस था कि अपनी चप्पल भी हाथ में लेके चलता था। मजा आ गया। ए भाई भाई जोड़ के, क्या भव्य शादी थी, क्या स्वादिष्ट भोजन, क्या नारियल बर्फी। ओए ओए ओए, मैंने आज तक ऐसी बर्फी नहीं खाई। भाई भाई जोड़ के। तुमने ऐसी बर्फी नहीं खाई? और मैंने तो तुम कंजूस से शादी करने के बाद बर्फी नहीं खाई। अरे भगवान, अगली दावत तो होने दो, तो तुम्हारे लिए भी रख लूंगा, मगर पता नहीं अगली दावत होगी कब। अगली दावत क्या? अगर तुम नारियल लाओ तो मैं अभी बनाई देती हूँ। मगर तुम्हारे सामने नारियल लाने को कहा तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, क्योंकि पाई पाई जोड़ने के चक्कर में खुद तो पादुका हाथ में उठाए घूमते हो। कंजूसी के चक्कर में आटा डाल तो ठीक से लाते नहीं और खाना इन्हें नारियल की बर्फी है। अरे आटे दाल की बात और है, तुम बर्फी बनाती हो तो मैं अभी नारियल लेकर आता हूँ पाई पाई जोड़ के। हाँ हाँ लाओ तो। अभी लाया। नारियल ले लो, नारियल, नारियल ले लो, नारियल। भैया कितने के दिए? हर एक नारियल मात्र 5 सिक्के के। 5 सिक्के? पांच सिक्के तो केवल पोल पे लग जानिया की। अरे थोड़ा तो कम कर लो पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़कर इससे कम में चाहिए तो 10 कोस दूर जाओ, जहाँ ये नारियल 3 सिक्के में पा सकते हो। हाँ क्या, 5 सिक्के का नारियल सिर्फ 3 सिक्के में? हाँ। अरे अपना पसीना क्यों बर्बाद करूं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। उडांका दूसरे नारियल वाले के पास पहुंचता है, जहां उसका लालच और बढ़ जाता है। 3 सिक्के के नारियल अगर 2 सिक्कों में चाहिए तो 10 कोस आगे जाओ। अरे पैसे बचाने के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। कोई सवारी मिल जाती तो। वाह मिल गई। मारना ही था तो थोड़ी तीव्रता से मारता, ताकि सीधा नारियल वाले के पास गिरता। सुनिए भाई साहब, मैं विजयनगर से चलकर आया हूँ। तो मैं क्या तुम्हारे स्वागत में नारियल फोड़ू? संभव हो तो फोड़ लो, नारियल का पानी और छिलका तुम्हारा,
बस नारियल मुझे दे देना पाई पाई जोड़ के। अच्छा पूरा का पूरा नारियल एक सिक्के में मिलेगा क्या? क्यों नहीं, अरे आप इतनी दूर से आए हैं, तो ये लो नारियल। ये क्या, मैंने नारियल बोला था, ये तो बस नारियल की खोपड़ी ही है। इतने में तो नारियल की खोपड़ी ही मिलेगी। जाओ यहाँ से भागो। तुम्हें नारियल मुफ्त में मिल सकती है बंधु, बस तुम पैरों को पहिए की तरह 10 कोस आगे की तरफ दौड़ाओ और समुद्र किनारे से जितने चाहे तोड़ लो। हाँ अरे वाह, वाह नारियल ही नारियल, मेरे नारियल। अरे निकल निकल। अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, कोई उतारो मुझे। अरे कोई है पाई पाई तोड़ के। ये कैसे हुआ? अरे कैसे और क्यों, सब बताऊंगा, तुम बस नीचे उतारने में मेरी सहायता करो। मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? अरे इतना बड़ा हाथी साथ में है मगर इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते पाई पाई जोड़ के। अपने हाथी पर खड़े होकर बस मेरे पैर को पकड़ो, मैं उतर जाऊंगा, ठीक है? ओहो हो, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मैं तनिक शीघ्रता में हूँ, मगर हाँ अगर तुम मुझे 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दो तो मैं। 100 सिक्के? मैं पाई पाई बचाने के लिए यहाँ तक आ गया और तुम्हें मैं 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दूँ? अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप आराम से लटके लटके विचार कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे 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 रुको भाई मैं दूंगा, अवश्य दूंगा, तुम बस मुझे नीचे उतारो। चल मेरे अप्पू। हाँ शाबाश शाबाश। अरे पैर तो नीचे करो। अरे अप्पू कहाँ जा रहे हो? अप्पू, अरे कहाँ, मैं तुम्हें निकालने आया था, मैं खुद ही फंस गया। अब किसको बुलाऊं, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। बचाओ बचाओ, इधर, यहाँ तुम ही हो जो नीचे उतारने में सहायता कर सकते हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस इसके 1-1 सिक्के के 1000 सिक्के लगेंगे। क्या 1000 सिक्के? तुम्हें ज्ञात भी है कि पाई पाई जोड़कर 1000 सिक्कों के बदले में 1000 नारियल खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि 1000 सिक्के नहीं देने पर तुम दोनों की हड्डियों के 1000 टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं तो चला। अच्छा अच्छा ठीक, मैं दूंगा। इसे भी अभी ही करतब दिखाना था। अरे मेरे हाथ तो फिसल रहे हैं। अरे मत छोड़ना, तुमने छोड़ा तो हम सब गिरेंगे। अरे मेरा हाथ छूट गया। मेरे सिक्के। अरे सुनती हो? अब ये आपको क्या हो गया, और ये नारियल कितने का लिया? 1000 सिक्के का। अरे चित्रा तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। अम्मा
आपके काढ़े ने तो जादू कर दिया। अम्मा के काढ़े ने जादू किया ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई। लेकिन तुम्हें कहानी समझ में आई कि नहीं? अच्छा मुझे समझ नहीं आएंगी। वो उड़ंगा अगर 5 सिक्के देकर पहली जगह से ही नारियल खरीद लेता तो इतने सिक्के तो बच ही जाते, हड्डियाँ तुड़वाने से भी बच जाता। अच्छा अब समझा। क्या समझे उप्पी? यही अम्मा की अगर मैं भी कंजूसी छोड़कर ताजी सब्जियाँ ले आता तो ना ही चित्रा की तबीयत खराब होती और ना ही मैं आपको इतना परेशान करता। मैं चला। कहाँ? ताजी सब्जियाँ लेने। ले लो सब्जी। अरे ले लो ताजी ताजी खेत की डिस्काउंट वाले रेट की। रुकिए अंकल अम्मा आ रही है। अभी पहनाता है गोपी इसे मस्ती की टोपी। बोलो बेटा क्या चाहिए? अरे आराम से गोपी। अरे अरे गोपी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बच गया। देखूं तो आज क्या क्या है? लाल टमाटर, गुलाबी गाजर, हरी पालक और बैंगनी बैगन सब है अम्मा, बस हम नहीं हैं। है तुम पेड़ पे कैसे पहुँचे? अरे पहुँचे नहीं अम्मा, हम पहुँचाए गए हैं गोपिया के द्वारा। नो गोपी। अम्मा कनिंग फ्रूट। ये कटहल है। कनिंग फ्रूट। कटहल। कनिंग फ्रूट। कटहल। कनिंग फ्रूट। कटहल। अरे रुको बाबा, ये कटहल भी है और कनिंग फ्रूट यानी कपटी कटहल भी। अब कुछ दो ना। अम्मा सिंगल सब्जी डबल रोल में कैसे हो सकती है? हो सकती है अंकल, कपटी कटहल की कहानी सुनोगे तब पता चलेगा। कपटी कटहल? अम्मा इसकी कहानी सुनना तो हमारे लिए जरूरी है, प्लीज सुना दो ना। हम भी सुनेंगे अम्मा। It's story time with Sudama. बात पुरानी है, विजयनगर में भास्कर नाम का एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए आया करता था। लेकिन इस बार उसकी गाड़ी में फलों, अनाजों और दूसरे सामानों के साथ कुछ और भी था, और वो था उसका गोल मटोल बेटा भानु वर्मा। भानु यहाँ से देखो बेटा, तुम्हें तो विजयनगर देखना था ना। कितना सुंदर नगर है बाबा। क्यों कैसे हो काका? बहुत बढ़िया भास्कर बेटा। बेटे ये उपहार चिरौंजी काका को दे दो, जाओ। ठीक है काका। काका ये क्या? भूत 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 बचाओ बचाओ। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, भास्कर का दोस्त चिरौंजी रुई कपास और ऊन का व्यापारी था। अरे इस बार तो मेरे छोटे व्यापारी मित्र भी आए हैं। भानु बेटा
ये एक सिक्का लो और बाजार घूम कर आओ। तब तक हम एक जरूरी काम करके आते हैं। हाँ ठीक है बाबा। खूंटे से बंधे बछड़े को खुला मैदान मिलने पर जो आनंद आता है, वही इस समय भानु वर्मा को विजयनगर का बाजार घूमने में आ रहा था। रंग बिरंगी दुकानें थी, कहीं खेल तो कहीं करतब। हाँ खुशबू, जलेबी, लूट मची है लूट, ले जाओ ले जाओ। एक सिक्के का चार है? हमारे यहाँ तो छह मिलते हैं, तो तुम्हारे यहाँ से ले जाओ। अरे ले जाओ एक सिक्के का एक, इससे सस्ता फल और कहीं नहीं मिलेगा। एक सिक्के में इतना बड़ा फल? ये कटहल है बेटा, बुजुर्गों से सीखी है, गुड़ और मिश्री भी इसके आगे फीकी है, चख कर तो देख लो। ये लीजिए एक सिक्का। लेकिन इसमें तो कांटे हैं। छिलका है, इसे काट कर अंदर से खाना। अच्छा व्यापारी पिता का व्यापारी बेटा हूँ, एक सिक्के में इतना बड़ा फल ले आया, बाबा तो खुश हो जाएंगे। वाह, अरे कांटे। नहीं नहीं नहीं, गिर जाएगा गिर जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ। वाह गुड़ और मिश्री तो क्या, इसके आगे तो शहद भी फीका है। ये मीठा तो है लेकिन चिपचिपा भी है। अरे निकल निकल निकल। अरे ये तो कपड़ों को भी चिपक रहा है। गरम पानी। अनु वर्मा। अरे पिताजी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ओ भानु वर्मा, लगता है विजयनगर उसे भाग गया है। जब तक हम राजमहल से लौट कर आएंगे तब तक वो भी आ जाएगा। तो फिर चलो हाथ मुंह धोकर चलते हैं। राजा जी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चले। दिन भर का थका हारा भानु वर्मा बैठते ही सो गया। चुंगी, लगता है कोई नहीं है यहाँ। चोर आए। एक दो तीन चार, जितनी भेड़ उठा सकते हैं उतने उठा लेते हैं ना चुंगी। मुंगी देख कितनी गुलोली ताजी भेड़। हाँ चार के बराबर एक है। शोर किया तो लोग आएंगे, बाबा को भी बुलाएंगे। नहीं नहीं चुप रहने में ही भलाई है। चुंगी देख तो, अरे अंधेरे में भेड़ समझकर छोटा हाथी तो नहीं उठा लिया। कमर टूट गई है इसके वजह से। अरे उठ जाओ। मुंगी लगता है भेड़ थक गई है, देखना कितनी प्यार से सोई हुई है।
ये चीखने वाली भेड़। मैं भेड़ नहीं, भानु वर्मा हूँ। मुंगी, ये तो बोलने वाली भेड़ है। ये भेड़ नहीं, भूत है भूत। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। मैं भूत हूँ। क्या करें? अरे कहाँ भाग रहे हो? मुझसे नहीं मिला। अरे मिलकर तो जाओ। अरे ये तो भानु वर्मा की आवाज है। भानु वर्मा, ये क्या हुलिया बनाया है? पिताजी आप, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कपटी कटहल ने किया है। अगर हाथों में तेल लगाया होता तो कटहल नहीं चिपकता, लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो मिली। इसमें क्या है बाबा? बेटा ये राजा विद्याधर जी ने उपहार दिया है। इसमें क्या है? यहाँ भी कपटी कटहल। मुझे और किसी मुसीबत में नहीं फंसना। अब समझे, ये कटहल कनिंग फ्रूट भी है और कपटी कटहल भी। अम्मा, जितना मजा कटहल की सब्जी में आता है उससे ज्यादा मजा कहानी में आया। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.